हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जन्मेजर सिंह। मैं आपके अपने YouTube चैनल भैया जी एडुकेशन पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आया हूं 1 दिसंबर 2020 से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो आपकी परीक्षाओं को टारगेट करके बनाए गए हैं। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न क्या कह रहा है, गर्भ संस्कार योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो दोस्तों, गर्भ संस्कार योजना हमारे उत्तर प्रदेश राज्य ने शुरू की है। किसने शुरू की है? उत्तर प्रदेश राज्य ने। इस योजना के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को आध्यात्मिक चिकित्सा दी जाएगी, जिसके कारण बच्चे संस्कारी पैदा हों। दोस्तों, ये और यहाँ की राजधानी जो कि है कैपिटल, वो है लखनऊ। और लखनऊ किस नदी, गोमती नदी किनारे पे बसी हुई है। दोस्तों, चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं यहाँ के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। और दोस्तों, यहाँ के जो गवर्नर हैं वो आनंदीबेन पटेल हैं, और चीफ जस्टिस हैं गोविंद माथुर। और यहाँ पर लोकसभा की 80 सीटें हैं। कौन कितनी है? 80 सीटें हैं। और राज्यसभा की 31 और विधानसभा की 404। दोस्तों, जान लेते हैं अब इसके बारे में कुछ और पॉइंट भी, महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। राजकीय पक्षी है सारस, और राजकीय जानवर या बोल लें पशु, राजकीय पशु है बारहसिंगा, और राजकीय फ्लावर यानी कि राजकीय पुष्प है पलाश, और राजकीय वृक्ष है अशोक। चलिए दोस्तों, आप चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देख लेते हैं अपना अगला प्रश्न। भारतीय सेना की किस कोर ने गुजरात और राजस्थान में 1971 किलोमीटर साइकिलिंग अभियान शुरू किया है? तो दोस्तों, यहाँ की कोणार्क कोर ने, किस कोर ने, कोणार्क कोर ने गुजरात और राजस्थान के मध्य 1971 किलोमीटर साइकिलिंग अभियान शुरू किया है। दोस्तों, अब जान लेते हैं कोणार्क कोर है कहाँ पे। ये हमारी जोधपुर, राजस्थान की कोर है, कहाँ पे है, जोधपुर में है। और ये अभियान जो चलाया जा रहा है, ये किसकी अब उस उपलक्ष में चलाया जा, इंडो पाक जो 1971 का युद्ध हुआ था उसकी विजय के उपलक्ष में ये अभियान चलाया जा रहा है। दोस्तों, और यहाँ की अब जब सेना की बात हुई तो जान लेते हैं हमारे जो सेना के नए सेना अध्यक्ष हैं जनरल मोहन मुकुंद नरवड़े, और जो CDS जो अभी बने हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो हैं हमारे जनरल बिपिन रावत। चलिए दोस्तों, इससे इतनी महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे थे, अब आगे देख लेते हैं। यदि दोस्तों हमारे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा हो दोस्तों, तो लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए और वीडियो को शेयर करती रहिए। दोस्तों, चलिए दोस्तों, देख लेते हैं अपना अगला प्रश्न। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक जंगलनामा का लेखक कौन है? तो दोस्तों, जंगलनामा एक पुस्तक है जिनके लेखक हैं अमिताभ घोष। कौन है दोस्तों? अमिताभ घोष। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। कौन सा भारतीय बैंक 8 लाख करोड़ पूंजीकरण प्राप्त करने वाला पहला बैंक बन गया है? दोस्तों, पहला बैंक कौन सा बैंक बन गया है हमारा? HDFC बैंक बन गया है, जिसने 8 लाख करोड़ पूंजी प्राप्त की है। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं HDFC को की फुल फॉर्म है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। दोस्तों, इसका जो मुख्यालय है वो है कहाँ पर हमारा? मुंबई में। और इसको इस्टेब्लाइज किया गया था अगस्त 1994 में। दोस्तों, देख लेते हैं अब इसके अध्यक्ष जो हैं CM वासुदेव, और जो MD मैनेजमेंट डायरेक्टर एंड CEO वो हैं शशिधर जगदीशन। चलिए दोस्तों, आप चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देख लेते हैं अगला प्रश्न, देख लेते हैं दोस्तों। हाल ही में किस शहर में प्लास्टिक के कचरे से सड़क निर्माण का कार्य शुरू किया गया है? दोस्तों, देख लेते हैं अपना कौन सा है, ये लखनऊ है, जो कि लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। यहाँ पर इसको जो प्लास्टिक का जो कचरा रहता है उससे सड़क का निर्माण शुरू किया जा रहा है। दोस्तों, पर्यावरण को स्वच्छ करने के लिए उसका यूज, उस वेस्ट का यूज किया जा रहा है। दोस्तों, चलिए देख लेते हैं अब अपने अगले प्रश्न को। देखते हैं वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 के अनुसार कौन सा इंस्टीट्यूट भारत का टॉप बन गया? दोस्तों, तो भारत का टॉप बन गया है यहाँ पर बॉम्बे इंस्टीट्यूट। कौन सा इंस्टीट्यूट बन गया है? IIT बॉम्बे, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT बॉम्बे। और पहले नंबर पे इस श्रेणी में आया है मैसाचुसेट्स
मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT, और दूसरी सेकंड नंबर पे आया है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, और तीसरी नंबर पे आई है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। यहाँ पर जो बॉम्बे IIT बॉम्बे की जो रैंक थी वो थी 176/500। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, देख लेते हैं अपना अगला प्रश्न। किस राज्य सरकार ने स्वास्थ्य साथी योजना का शुभारंभ किया दोस्तों? तो किस राज्य सरकार ने स्वास्थ्य साथी किस योजना का स्वास्थ्य साथी योजना का शुभारंभ किया है? तो दोस्तों पश्चिम बंगाल की सरकार ने इस योजना का शुभारंभ किया है। दोस्तों पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता, और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं श्रीमती ममता बनर्जी, जो TMC पार्टी से हैं, और यहाँ के जो गवर्नर हैं जगदीश धनखड़, और जो चीफ जस्टिस हैं TVN राधाकृष्णन। दोस्तों यहाँ का राजकीय पशु है फिशिंग कैट, और राजकीय पक्षी है किंगफिशर, और यहाँ का जो राजकीय वृक्ष है वो डेवल वृक्ष है। दोस्तों यहाँ पर जो दामोदर नदी है, गंगा की नदी जो सहायक नदी है दामोदर नदी, उसे बंगाल का शोक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? बंगाल का शोक। और ये जो डेल्टा बनता है यहाँ पर सुंदरबन डेल्टा, किसमें गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में बनता है, इसे ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है दोस्तों। और यहाँ पर कौन सा एक ब्रिज भी है जो कि कोलकाता और हावड़ा को जोड़ने वाला ब्रिज है, ये इसका नाम है हावड़ा ब्रिज, और ये कौन सी हुगली नदी पर बनाया है दोस्तों। और हुगली नदी के बाएं किनारे पर हमारा कौन सा इस का जो राजधानी है इस राज्य की पश्चिम बंगाल की कोलकाता, वो बसा हुआ है। दोस्तों देख लेते हैं यहाँ पर लोकसभा सीटें कितनी हैं। लोकसभा सीटें हैं 42, राज्यसभा सीटें हैं 16, और विधानसभा सीटें हैं 249। चलिए दोस्तों इतनी महत्वपूर्ण पॉइंट बन रहे थे जो आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं दोस्तों। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, देख लेते हैं अपना अगला प्रश्न। किस देश की अध्यक्षता में पहली बार SCO शिखर सम्मेलन 2020 बैठक को आयोजित किया गया है? तो दोस्तों इसमें हमारा भारत रहेगा जो कि इसकी अध्यक्षता करेगा। दोस्तों अब चल लेते हैं, अब इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा, ये जो आया है CHO इसके बारे में जान लेते हैं। ये CHO है का है क्या चीज देख लेते हैं दोस्तों। इसकी फुल फॉर्म संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है एक, ये संघाई का वो है। इसकी मुख्यालय इसका बीजिंग चीन में है दोस्तों, और इसकी स्थापना 26 अप्रैल 1996 में हुई है दोस्तों। अब इसके कौन कौन से सदस्य देश हैं? इसके 6 सदस्य देश हैं। पहला है रूस, सेकंड चाइना, थर्ड काजिकिस्तान, फोर्थ किर्गिस्तान, फाइव तजाकिस्तान, और सिक्स है उज्बेकिस्तान। और यहाँ पर एक ऑब्जर्व देश भी था जिसने इसका ऑब्जर्वेशन किया है, उसका है नाम है बेलारूस। चलिए दोस्तों आप चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं दोस्तों। बेंगलुरु शहर में किस नई प्रजाति को की खोज की गई है जिसे स्पैरोथेका, क्या दोस्तों? स्पैरोथेका बेंगलुरु की का नाम दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर किस प्रजाति की खोज की गई है? एक मेंढक की प्रजाति मिली है जिसका नाम रखा गया है स्पैरोथेका बेंगलुरु। चलिए दोस्तों अब चलते हैं अपने नए प्रश्न की तरफ, अगले प्रश्न की तरफ देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, मैनकाइंड फार्मा जो कि एक दवा निर्माता कंपनी है, उसके नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसके नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं मोहन लाल, और इसकी ये जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है मैनकाइंड, इसका स्थापना इसको स्टेबलाइज किया गया था 1995 में, और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में दोस्तों। और इसके अध्यक्ष जो हैं RC जुनेजा, और इसकी जो CEO हैं वो राजीव जुनेजा। और इसका टैगलाइन जो कि थोड़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है दोस्तों, तो इसकी टैगलाइन है सर्वाइविंग लाइफ। चलिए दोस्तों आप चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रश्न की तरफ,
चलिए दोस्तों देखते हैं अपना अगला प्रश्न देखते हैं। किस देश ने सरकोन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो दोस्तों इस मिसाइल का सफल परीक्षण रूस ने किया है। अब बात रूस की हुई है तो दोस्तों जान लेते हैं रूस के बारे में। रूस की जो कैपिटल है वो है मॉस्को, और इस यहाँ की करेंसी जो है वो है रूबल, और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो व्लादिमीर पुतिन, और दोस्तों यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका नाम है मिखाइल मिशुस्तिन, और दोस्तों यहाँ के संसद को क्या कहते हैं? ड्यूमा। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ड्यूमा जो इसके संसद का नाम है, ज़्यादातर परीक्षाओं में पूछा जाता है। और दोस्तों यहाँ पर एक पर्वत है यूराल पर्वत, जो कि एशियाई रूस और यूरोपीय रूस को अलग करता है, इसलिए दोस्तों मैंने इसमें ये बीच में साइन बना के बताया आपको कि ये पर्वत का वो है। चलिए दोस्तों आप चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, देख लेते हैं अपना अगला प्रश्न। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? तो दोस्तों यहाँ की पहली महिला कुलपति बनी है प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव, और इलाहाबाद विश्वविद्यालय कहाँ पर है? हमारे उत्तर प्रदेश में स्थित है। चलिए दोस्तों देख लेते हैं अपना अगला प्रश्न। 30 नवंबर 2020 को गुरु नानक देव जी की कौन सी जयंती मनाई गई? तो दोस्तों 30 नवंबर 2020 को गुरु नानक देव जी की 591वीं जयंती मनाई गई। कौन सी जयंती मनाई गई? 591वीं जयंती। और दोस्तों इसमें जो इस जयंती को एक गुरु पर्व और प्रकाश पर्व के नाम से भी जाना जाता है, और इनका जन्म कब हुआ था? कार्तिक पूर्णिमा को पाकिस्तान में स्थित किसमें? श्री ननकाना साहिब में हुआ था। पाकिस्तान में एक जगह का नाम है श्री ननकाना साहिब, उस जगह पर इनका जन्म हुआ था। और ये हर साल प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही मनाई जाती है, तारीख कोई भी बनी रहे कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। चलिए दोस्तों देख लेते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न में आइए दोस्तों देखते हैं, प्रेगा न्यूज जो प्रेगनेंसी टेस्ट वाली जो चलती है किट आती है उसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो उनकी ब्रांड एम्बेसडर बनी है हमारी अनुष्का शर्मा, जो कि एक फिल्मी अभिनेत्री हैं। तो दोस्तों आप बात कर लेते हैं अपने कल के जवाब के बारे में, जो मैंने कल प्रश्न किया था उसके जवाब के बारे में। तो हमारा कल का जवाब है मध्य प्रदेश, इसने क्या किया है? सौर ऊर्जा उत्पादन 5000 किलोवाट से बढ़ाकर 10000 मेगा किलोवाट की घोषणा कर दी है। चलिए दोस्तों आप नज़र डाल लेते हैं हमारे आज के प्रश्न की तरफ से, जो आज की के लिए आपके लिए प्रश्न रहेगा तो देख लेते हैं उसके बारे में। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार एशिया का कौन सा देश है जिसमें सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार होता है? दोस्तों इसके ऑप्शन भी रहेंगे। तो आप दोस्तों यदि आपको ने पिछला वीडियो जो कल का वीडियो है 30 नवंबर 2020 का यदि आपने नहीं देख पाया है तो किसी कारणवश, तो दोस्तों जाइए लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगी, उसमें जा करके वीडियो को देखिए दोस्तों और इस प्रश्न का आंसर दीजिए। और मैं चाहता हूँ दोस्तों इसके प्रश्न के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लिखें आप कमेंट में, कमेंट करें दोस्तों। चलिए दोस्तों जुड़े रहिए हमारे साथ, तो चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।